we're better with. I've seen Hey everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Nidhi and आज की वीडियो एक व्लॉग होने वाली है जिसमें हम लोग साथ में बनरघट्टा ज़ू बायोलॉजिकल पार्क एक्सपीरियंस करने वाले हैं. ये पार्क बेंगलुरु में है एंड ये बेंगलुरु जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से काफ़ी पास है, तो हमने सोचा क्यों ना इसे जाके एक्सप्लोर किया जाए. सो मैं बहुत ही जल्दी उठ गई हूँ सुबह सुबह, एंड वैसे भी जब मुझे कहीं जाना होता है तो एक्साइटमेंट अनदर लेवल पे होती है मेरी. सो मैं उठ के अपना चाय वाय पी के रेडी हो के अब बारी आती है मेकअप की, तो फटाफट मेकअप कर लेते हैं. मुझे ज़्यादा हैवी मेकअप पसंद नहीं है, सो आई एम डूइंग अ वेरी लाइट मेकअप ओनली बाय यूजिंग फाउंडेशन एंड लिपस्टिक. एंड ज़्यादा मन किया तो थोड़ा सा मस्कारा लगा लूँगी, बट इससे ज़्यादा आई डोंट प्रेफर डूइंग एनीथिंग. एंड जितना ज़्यादा आप नेचुरल रहो उतना अच्छा लगता है, दैट्स व्हाट आई बिलीव. तो मैंने यहाँ पे फाउंडेशन एंड लिपस्टिक लगाया है. लिपस्टिक से ही मैंने ब्लश और थोड़ा सा आई शेडो का काम कर लिया है एंड लास्टली काजल. सो दैट्स इट. पाउडर से इन सबको सेट करके आई एम रेडी एंड गुड टू गो. सो मैं जब भी रेडी होती हूँ बेबी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है एंड उसे मेरे पास ही रहना होता है. सो अब बारी आती है हेयर स्टाइल की. मैंने फटाफट एक सिंपल सी हेयर स्टाइल बना ली है. इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट्स लेके जल्दी ही आने वाली हूँ, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा. तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दे सो दैट आप उसे सबसे पहले देख सकें. हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रहते हैं जहाँ से ये पार्क काफ़ी पास है. सो हम लोग बस से जा रहे हैं. प्लान था कि स्कूटी से जाए बट बिकॉज बहुत गर्मी और धूप है सो बेबी साथ में है तो हम लोग बस से जा रहे हैं. एंड बहुत ही सिंपल बस से जाने का रूट था. हमने एक बस ली एंड उसके बाद हम 10-15 मिनट्स के बाद एक दूसरी बस चेंज की हमने, जो कि हमें डायरेक्ट ज़ू लेके गई. एंड ज़ू में हमने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, स्पेशली वुडन आइटम्स. मैंने यहाँ से एक कोम भी अपने लिए लिया एंड फिर कुछ पेट पूजा करने के बाद हमने स्टार्ट किया, बिकॉज हम बिना नाश्ता किए निकल गए थे तो भूख तो लगेगी ही क्योंकि बहुत चलना था. अगेन हमने एंट्री की बाय टेकिंग अ टिकट. काफ़ी सारे डिफरेंट प्राइसेस के टिकट थे. हम लोगों ने बस सफारी प्रेफर किया बिकॉज अगेन वो शेडी रहता एंड बेबी है साथ में, प्लस वो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली भी था. ऑल दो हम सबसे आगे बैठे थे बट स्टिल मुझे अच्छा व्यू नहीं दिख रहा था, तो मैं जाके ड्राइवर के ठीक साइड में बैठ गई. थोड़ा फन ही था बट मुझे अच्छे से देखना है बाहर सब कुछ. हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी एंड हमने बहुत सारे रेंडियर्स देखे, हाथी देखा. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा. एंड सबसे सामने बैठने का एडवांटेज तो ऑब्वियसली हुआ ही क्योंकि सब कुछ बहुत ही क्लियर दिख रहा था, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था. एंड मैंने हाथी इतने पास से देखा, लायन देखा एंड भालू तो इनफैक्ट रोड पे ही बैठे हुए थे. बहुत क्यूट थे, दे वर रिलैक्सिंग एकदम मस्त में, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया. तो अगर आप बैंगलोर रहते हो या बैंगलोर के आसपास तो आप एक दिन का ये ट्रिप बना के जा सकते हो, बिकॉज ज़्यादा पैसे भी नहीं लगने हैं एंड आपको मज़ा बहुत आएगा. As I said, गर्मी बहुत थी तो आई कैन सी दैट सारे जानवर मतलब अपना रिलैक्स कर रहे थे, उनको कोई मतलब नहीं था. आ रहे हो देख के जाओ, चलो कोई बात नहीं, हमें बस चिल करने दो. वैसे ही लायंस भी, वो लोग भी, हमने एक लायन और एक लायनेस देखी. उनके पास ज़्यादा लायन लायनेस और टाइगर टाइग्रेस नहीं थे, तो हमने एक नॉर्मल टाइगर देखा, इंडियन टाइगर, एंड हमने एक दो इंडियन टाइगर्स देखे एंड हमने वाइट टाइगर भी देखा एक, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा था एंड आई फेल्ट रियली गुड. वो बहुत बड़े थे बट स्टिल बहुत क्यूट थे. मुझे बिल्लियाँ भी अच्छी लगती हैं, पहले नहीं लगती थी बट अब लगती हैं, तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे. वैसे मुझे डॉग्स ज़्यादा पसंद हैं. एज़ यू कैन सी मैं ठीक ड्राइवर के साइड में जाके बैठ गई हूँ, बट मज़ा बहुत आया. जंगल सफारी करने के बाद हमने ज़ू को एक्सप्लोर किया. ज़ू में भी काफ़ी सारे एनिमल्स थे तो हमने कहा चलो अब ज़ू की बारी है, ज़ू को एक्सप्लोर करते हैं. सबसे पहले हमने ज़ेब्रास देखा, फिर ज़िराफ देखा एंड डायनासोर भी था यार. ओके, सो यहाँ डायनासोर भी है, देख ऐसा ज़ू किसी ने नहीं देखा होगा, मतलब डायनासोर तक है यार. सही है, मस्त में रिलैक्स कर रहा है टाइगर, उसको कोई मतलब नहीं है. He's like, oh come on, Rose ka hai, no paparazzi please.
हाँ तो अब यहाँ से निधि जाते हुए टॉडी कैट को देखने के बाद, आइए दर्शकों अब हम देखते हैं बेयर को। आई थिंक आई सॉ सम बेयर देयर। माय फोन इज क्वाइट टिल्ट। नो आई लाइक दिस। ओ आई सॉ द बेयर। कम लेट्स गो नाउ। नाउ वी कैन सी कि निधि ने टोपी लगा लिया है। तो दर्शकों अब हम जा रहे हैं देखने के लिए एक ऑस्ट्रिच को। उसकी स्माइल देख कितनी क्यूट है। प्रिपेयर हुए। हाय ना, हाय ना, से हाय। इसके फ्रेंड्स कहाँ गए? बहुत गर्मी है भाई। सही है तुम्हारा। हिप्पो 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 एंड बेबी हिप्पो, दो दे आर स्टिल बिग। वो एंजॉय कर रहा है पानी में, उसको देख कितना क्यूट है। मैंने पहली बार देखा ऐसा करते हुए। सो क्यूट। आ जाओ मैं तुम्हारे में कलर डालूं। हेलो मंकी, तुम मुझे जीव क्यों दिखा रहे हो? ए तुम्हें क्या मिला है खाने को? हाय हाय हाय। रियो मूवी में जो गुंडा था पैरट, वो बिल्कुल ऐसा दिखता था। वो वाले को देखो, चल भी वैसे ही रहा है। उसको देख। हाँ है ना, ठीक ना, कितने क्यूट है ये बेचारे। हाय क्यू। आप उल्टा उल्टा क्यों चल रहे हो? हाय, इतने सारे कछुए एक साथ। हमारे पास था इसका बेबी, वो पॉक्यूपाइन। हम जा रहे हैं बटरफ्लाई पार्क दर्शकों। निधि आपको एक तरफ से हाय कीजिए। सो इन्होंने हाय कर दिया है दर्शकों, ये स्प्राइट पीते हुए। और ये ब्लूपर बनते हुए दर्शकों, ये लाल छापरी वाला चश्मा लगाते हुए, लेकिन फिर भी ये बहुत कूल लग रही है। देखिए दर्शकों, आइए चलिए हम चले बटरफ्लाई पार्क, जिसमें मैं पिछली बार गई थी तो उसमें एक भी बटरफ्लाई नहीं थी। बट बटर पार्क की बटरफ्लाई, या एग्जैक्टली इट्स अगेन अ ब्लूपर। हा हा हा, इतनी बड़ी यहाँ पे बटरफ्लाई है, तूने कभी देखी थी इतनी बड़ी तितली? हाँ नहीं देखी। अभी हम एक कमरे में जाएंगे जहाँ पे बहुत सारी तितली है, इसलिए हम तितली के दरवाजे में जा रहे हैं। दर्शकों आज मेरे बच्चे से सोने आया है। ऐसा ही था तो घर छोड़ के आती थी। दर्शकों अच्छा वहाँ से है बटरफ्लाई मेन स्टार्ट। ओके ओके, श्योर दे आर, सी पता नहीं है दो। I can see just a few. I told you. मेरे चैनल पे ये अडल्ट चीजें नहीं शो कर सकती यार। बटरफ्लाई पार्क में बटरफ्लाईज तो बस नाम की थी, बट यस उनका म्यूज़ियम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से सब कुछ को प्रिजर्व करके रखा था। मुझे काफ़ी कुछ जानने को मिला अबाउट इंसेक्ट्स एंड स्पेशली बटरफ्लाईज, तो ये अच्छा था। बट स्टिल आई वुड से कि डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि उसमें उतने बटरफ्लाईज थे ही नहीं। इनफैक्ट जू में भी मुझे काफ़ी कम एनिमल्स देखे। आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ हीट, उन्हें कहीं और रखा होगा, बट काफ़ी कम एनिमल्स थे।
So after spending almost 5 to 6 hours in the zoo and experiencing all of that and काफ़ी काफ़ी सारे चलने के बाद अब बारी आती है घर जाने की. तो हम काफ़ी थक गए थे एंड हमें भूख लगी थी. सो हमने सबसे पहले खाना खाया, थोड़ा सा साउथ इंडियन खाना एंड चाय. इसके बाद हम जा रहे हैं घर. सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. आई होप आपको पसंद आई हो. आई ट्राइड टू कीप इट एज रॉ एज आई कुड. एंड अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर पक्का करें.